अंक ज्योतिष 2020। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो योगी हिंदी और मैं हूं आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट उपमा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ज्योतिष की तरह ही संसार में बहुत सारी ऐसी विद्याएं मौजूद हैं जो किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी प्रदान कर सकती हैं जिनके बारे में आमतौर पर जान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इनमें से ही एक विद्या का नाम है अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी अंक से जुड़ा होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक अंक हमारे जीवन में अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है, जिससे हमारे जीवन की रूपरेखा निर्धारित होती है, जिससे कि हम कामयाबी या असफलता प्राप्त करते हैं। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2020 आपके लिए किस तरह रहेगा यह बतलाएंगे। क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस वर्ष 2020 में आपके साथ क्या क्या खास घटित होने वाला है? यह अंक ज्योतिष पर आधारित है और राशिफल पर आधारित नहीं है, यानी कि आपका जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन की जो तारीख है वह अंक आपका मूलांक बनता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्मदिन 22 जनवरी 2001 का है तो आपका मूलांक 4 होगा। इसके लिए आपको केवल अपने जन्मदिन की तारीख को देखना है। जन्म की तारीख 22 है। अब मूलांक पाने के लिए आप इन दोनों तारीखों को जोड़ देंगे, 22, मतलब 2 + 2 = 4। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 4 हुआ। तो आइए अब जानते हैं आपके जन्म की तारीख और मूलांक की मदद से अंक ज्योतिष की भविष्यवाणी आपके बारे में क्या कहती है। यदि आपने अभी तक एस्ट्रियोगी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में अंक ज्योतिष के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मूलांक 1। दर्शकों, जिन जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 बनेगा। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य चूंकि एक ऊर्जावान ग्रह है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फायर है, आग है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की जो आत्मिक ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग शाही जिंदगी जीना पसंद करते हैं। वर्ष 2020 आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको इस वर्ष अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे और अगर हम कहें तो आपके लिए ये गोल्डन ईयर साबित होगा। आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव मिल सकता है, जिसको दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परिवार से ही आपको बल मिलता है। यदि आप सिंगल हैं और विवाह करने के इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2020 में अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं तो इस वर्ष आपके उत्तीर्ण होने की संभावनाएं हैं। आपके लिए यह वर्ष शुभ वर्ष है और आपकी एकाग्रता भंग रही हो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। प्यार के मामले में यह वर्ष अच्छा है। आप दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा रहेगा, पर फिर भी कभी कभार एक दूसरे के बीच में कुछ कड़वाहट आ जाएगी। गलत फहमियों के कारण ऐसा हो सकता है, तो इस बात का ख्याल रखें कि इन गलत फहमियों को दूर करें और अपने रिश्ते को टूटने से बचाएं। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2020 आपके लिए अच्छा है। इस वर्ष आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ और अधिक बढ़ेंगी। खुशियों से आपका जीवन महक उठेगा। इस वर्ष आप लोग किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं और अगर धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो वह भी संभव है। इस वर्ष यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ समय है। 28 मार्च से 16 मई तक और 5 अगस्त से 20 सितंबर तक निवेश करने के लिए अनुबंध या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप अगर साइन करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत ही शुभ समय है। आपको अगर अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार लेकर आएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष रक्तचाप, हृदय, आँखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसा खाना खाने से बचें जिससे कि एसिडिटी हो सकती है। इस वर्ष 1, 4, 8 और 9
जिनकी जन्म तारीखें हैं, ऐसे व्यक्ति आपको व्यापार में या किसी भी और प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 2020 आपके लिए अनेक सौगातें लेकर आएगा। अत्यधिक बड़बोलेपन से बचें तो अच्छा रहेगा। मूलांक दो पर चंद्रमा का स्वामित्व है। चंद्रमा एक बहुत ही सौम्य, भावुक और लोगों की परवाह करने वाला ग्रह है। आपका भी स्वभाव कुछ इसी तरह से है। वर्ष 2020 में आप अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, क्योंकि अत्यधिक भावुकता के कारण कोई भी व्यक्ति आपसे अनायास ही बहुत अधिक मित्रता कर आपको परेशानियों में डाल सकता है। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है। इस वर्ष यदि आपकी विदेश जाने की इच्छा है तो वह पूर्ण हो सकती है। वर्ष 2020 में आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा। जो भी अधूरे काम हैं इस वर्ष वह पूर्ण हो सकते हैं। वर्ष 2020 में आपको जिनसे आप प्यार करते हैं उनका साथ मिलेगा और यह साथ काफ़ी आगे तक जाएगा। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी भी स्थितियां आएंगी जब आपके प्यार की परीक्षा होगी। नौकरी के मामले में वर्ष 2020 में आप दिल की जगह दिमाग का उपयोग करें, क्योंकि कई सारी मानसिक चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसमें दिमाग जैसा कहेगा वही सही साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए जून 2020 से शुभ परिणाम होंगे। वर्ष 2020 में आपका स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव से गुजरेगा। आपको हृदय संबंधित, पेट संबंधित और घुटनों से लेकर नीचे तक के पैर के हिस्से में कुछ रोग आ सकते हैं। जो लोग विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं, आयात या निर्यात का कोई कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ है। आपको विदेशी सहयोग प्राप्त होगा, विदेशी व्यापार में सफलताएं भी मिलेंगी और आपको एक नई कामयाबी मिलेगी। पर एक बात का ख्याल रखें, वर्ष 2020 में आपका कोई पुराना मित्र आपको कोई नई सीख देकर जा सकता है। इस वर्ष थोड़ा सा व्यापार में कुछ धोखे मिलने की संभावना है। आपके व्यापार के लिए शुभ अंक 2, 5, 7 और 8 है। मूलांक 2 के सहयोगी अंक 1, 2, 3, 7 और 9 हैं। इन लोगों के साथ आप अपना व्यापार कर सकते हैं या मित्रता रख सकते हैं। मूलांक 3। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2020 आपके लिए अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इस साल आपको अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करना पड़ेगा, तभी जीवन में सफलताएं मिल सकती हैं। आपको विशेष तौर पर अपने कार्य क्षेत्र और अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी भी सावधानी अगर नहीं रखी तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस वर्ष आप अपने काम पर फोकस बनाए रखें। यदि थोड़ा से भी कोई परेशानी हुई तो ऑफिस में आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं या कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ इस वर्ष स्मार्ट वर्क करना भी अत्यंत जरूरी है। कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा नहीं लें। कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर कि कोई विवाद हो रहा हो तो उन परिस्थितियों से दूर रहें। घर में यदि हम परिवार में बात करें तो माता पिता के स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। आप अपना धैर्य से काम लें और सहनशीलता का परिचय दें। वर्ष 2020 में स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। टीवी या डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें या ऐसे मित्र जिनके साथ ज़्यादा बाहर जाते आते हैं तो थोड़ा उन पर नियंत्रण रखें। इस वर्ष आपके खर्चे अधिक होंगे पर आय भी बढ़ेगी। सिर्फ इतनी सी बात है कि बचत होना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वर्ष आप अपना बजट एक बनाकर चलें और उस पर पूर्णतः पालन करें। प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि आप जिन्हें पसंद करते हैं वही व्यक्ति आप पर से विश्वास खो दें। इस समय आपकी लव लाइफ में आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। पूर्णतः एक दूसरे को समय प्रदान करें और अपने रिश्ते में ईमानदारी रखें। वर्ष 2020 दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप दोनों के मध्य आपसी संबंध और अधिक सुधरेंगे, प्रेम बढ़ेगा।
वर्ष 2020 में स्वास्थ्य संबंधित मामलों में आपको त्वचा के रोग, गैस्ट्रिक ट्रबल और डायबिटीज जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अच्छा खानपान और योगाभ्यास के द्वारा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रख सकते हैं। इस वर्ष आपके लिए जो शुभ संख्या है 3, 5, 7 और 9, और वह व्यक्ति जिनका जन्म 1, 3 और 6 में हुआ है आपको सहयोग प्रदान करेंगे। मूलांक 4। सही मायनों में यह वर्ष 2020 आपका वर्ष है, क्योंकि 2020 आपके लिए बहुत सारी अनेक अच्छी शुभ सौगातें लेकर आ रहा है। इस वर्ष आपको आशातीत सफलता मिलेगी, आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। यदि आप राजनीति, कानून या सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए और अधिक प्रगति के अवसर, नए अवसर निकलेंगे। यह साल आपको लोगों का विश्वास और सहयोग मिलेगा। इस वर्ष आप अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। इस वर्ष आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, हालांकि इसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा, पर फिर भी आपके परिवार के लोग आपका ध्यान देंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपको सहयोग प्रदान करेंगे। आपको हर काम में इस वर्ष सफलता मिलने की अधिक संभावना है। अंक ज्योतिष 2020 के अनुसार आप लीक से अलग हटकर चलना पसंद करते हैं और यही खूबी के कारण आपको सफलता भी मिलती है, पर अति आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि अत्यधिक आत्मविश्वास आपको परेशानी में डाल सकता है। जहां एक ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने से आपका मनोबल सातवें आसमान पर रहेगा, वहीं प्रेम जीवन में भी इस वर्ष आपको अच्छी स्थितियाँ मिलेंगी। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए सुनहरा साल साबित होगा। इस साल आपके विरोधी आपको मात नहीं दे पाएंगे और आपकी पहचान आपके काम से बनेगी। धन लाभ होने के इस वर्ष आपको प्रबल योग बनेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी तरक्की किसी निर्बल व्यक्ति को परेशान करके ना हो। बाकी पूरा साल आपके लिए अनेक मौके लेकर आएगा। आपके व्यापार के लिए शुभ संख्या 2, 4, 5 और 6 हैं। मूलांक 4 के सहयोगी अंक 2, 4, 6 और 8 हैं। मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध है। बुध संचार का कारक ग्रह है। मूलांक 5 वाले लोगों के लिए वर्ष 2020 सामान्य रहेगा। इस वर्ष कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति में सुधार होगा और आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, पर पदोन्नति पाने में थोड़ा विलंब होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2020 में आपको अपने परिवार को उचित समय देना चाहिए, क्योंकि काफी समय से आपके परिवार वाले आपके समय, आपका साथ चाह रहे हैं। इस समय आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव से निकलेगा। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने में अपना समय लगाएं। इस वर्ष आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए बातचीत करनी चाहिए, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि आपके मित्र या परिवार में कोई आपसे रूठ सकता है। प्रेम जीवन में अच्छे पलों की प्राप्ति होगी और आप जिन्हें पसंद करते हैं वो आपसे खुश रहेंगे। धन के मामले में आपको दिमाग का प्रयोग अधिक करना होगा, क्योंकि आपके सामने अत्यधिक अवसर आएंगे, पर उन्हें आप उपयोग में ला सके यह आवश्यक है। अन्यथा आपको लगेगा कि आप अपने अवसरों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ चुनौतियां आपको परेशान करेंगी। इसके लिए प्रतिदिन पर्याप्त नींद लें और व्यायाम पर ध्यान दें। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्य वर्ष रहेगा। किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग या किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेकर करेंगे तो हितकारी रहेगा। इस वर्ष 2020 में त्वचा के रोग, पेट संबंधित सिर दर्द जैसे कुछ समस्याएं हो सकती हैं, पर यदि आप अपना खान पान संतुलित रखेंगे, व्यायाम करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। व्यापार करने के लिए उत्तम संख्या 1, 3, 5 और 9 है। आपके लिए जो लोग सहयोगी साबित हो सकते हैं, यदि उनका नंबर अंक 3, 5, 6 और 8 है तो अच्छा रहेगा। मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए इस मूलांक वाले लोगों को विलासिता और आराम करना बहुत पसंद है। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2020
मूलांक 6 वालों के लिए सामान्य वर्ष रहेगा। इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके खर्चे। आपके खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष यदि हम प्रेम जीवन की बात करें तो आप जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों से लुभाएं, न कि महंगे गिफ्ट देकर उनका मन जीतने की कोशिश करें। आप में से कुछ लोगों को इस वर्ष प्रेम में धोखा मिल सकता है, थोड़ा संभल कर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इस वर्ष घर परिवार में खुशियां आएंगी, अपनी छोटी छोटी खुशियां अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बांटें। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आपको आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि यही आपके लिए भविष्य में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि आपके मन में किसी बात को लेकर कोई परेशानी चल रही है तो उसे खुलकर अपने साथ में कार्य करने वालों को बताएं, इससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना रातों का पसीना बहाना पड़ेगा। इसके अलावा अपने सपनों को साकार करने के लिए एकाग्रता भी आपको आवश्यक है। आपके बिजनेस में इस साल आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, विशेषकर साल के पूर्वार्ध में यानी कि जनवरी से लेकर जून तक के समय में। संतान की ओर से आप संतुष्ट दिखेंगे और आपकी संतान आपके लिए भाग्यशाली रहेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2020 आपकी सांस संबंधित अपच, डायबिटीज और किडनी जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए अपने खान पान को ठीक रखें। इस वर्ष आपके व्यापार के लिए जो शुभ संख्या है वो है 3, 5, 6 और 9। मूलांक 6 के लिए सहयोगी अंक है 1, 2, 5, 6 और 9। मूलांक 7 वालों के लिए स्वामी ग्रह केतु है। इस मूलांक के जातक हर किसी की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2020 आपके लिए बहुत ही अच्छा लकी साबित होगा। इस वर्ष ऐसे अच्छे संयोग बन रहे हैं कि यदि आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो सोना बनेगी, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलताएं 100% है। इस वर्ष यदि आप कोई NGO चलाते हैं तो उसमें भी आपका काफी नाम होगा, आपको इस वर्ष अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी। अगर जॉब की बात की जाए तो आपके लिए यह साल पदोन्नति और वेतन वृद्धि की सौगात लेकर आएगा और आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी। इसके अतिरिक्त व्यापार में विस्तार की योजनाएं भी फलीभूत होंगी। इस वर्ष यदि आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपना मकान बनवाना चाहते हैं या कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ष 2020 अच्छा है। इस साल आपको आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी से इस वर्ष काफ़ी सारे तोहफे मिल सकते हैं। इन्हीं में से एक सौगात होगी कि आपका संतान जन्म का जो सपना है वो पूर्ण हो। इसके अलावा जो लोग को किसी भी प्रकार से धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको कुछ अच्छे नए अनुभव प्राप्त होंगे, किसी आध्यात्मिक गुरु से भी आप मिलेंगे। प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी क्योंकि किसी बात को लेकर आप जिन्हें पसंद करते हैं उनके साथ थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। ऐसे में आप अपने साथी पर विश्वास बनाए रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे लगे हुए हैं उन छात्रों के लिए वर्ष 2020 काफ़ी अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है, पेट संबंधित, आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। आप जब व्यापार करना चाहते हैं या किसी के साथ मित्रता भी करना चाहते हैं तो ऐसे लोग जिनका कि जन्म 2 तारीख, 3 तारीख, 6 या 7 में हुआ है तो आपके लिए शुभ रहेंगे। आपके लिए इसके अलावा जो सहयोगी अंक हैं वो हैं 2, 3, 4 और 9। मूलांक 8 वाले जातकों की जिंदगी में शनि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि शनि मूलांक 8 का नेतृत्व करता है। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2020 में मूलांक 8 वालों के लिए कुछ चुनौतियां रहेंगी। इन चुनौतियों को जूझकर पूरा करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए अच्छे अवसर निकाल सकते हैं।
कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ कम नहीं होंगी, लेकिन अपने दम पर आप जो कड़ी मेहनत करेंगे वह आपको कुछ न कुछ फल अवश्य देगी। पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपको अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यह आपका नैतिक दायित्व है। दाम्पत्य जीवन में समरसता बनी रहे, इसके लिए आप अपना समय घर परिवार में दें। आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि कुछ मानसिक तनाव से आप गुजरेंगे, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, और जो उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उनको भी अच्छी सफलता मिल सकती है। धन लाभ के दृष्टिकोण से देखने पर यह साल अच्छा साबित होगा। प्यार के मामले में यह साल थोड़ा सा मध्यम है। आप जिन्हें पसंद करते हैं उनके साथ घूमने फिरने जाएं, उन्हें अपना समय दें, इससे आप दोनों का जीवन अच्छा रहेगा और एक नयापन भी बना रहेगा। इस साल धन का दीर्घकालीन निवेश करना आपके लिए अनुकूल रहेगा और आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाएगा। आपके व्यापार के लिए शुभ संख्या 2, 3, 5 और 8 है। मूलांक 8 के सहयोगी अंक 2, 4, 5, 6 और 7 है। मूलांक 9। मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है और इसीलिए आपके अंदर रिस्क उठाने की जो कैपेसिटी है काफ़ी अधिक है। इस साल आप अधिक आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वर्ष 2020 का जो स्वामी ग्रह है वो है राहु, और राहु आपके अंदर एक अत्यधिक ऊर्जा भर देता है, जिसके कारण आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, और हम कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। वर्ष 2020 में कुछ ऐसे अवसर आएंगे कि जिनके कारण आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आपको जल्दबाजी में किसी भी काम को करने से बचना होगा, नहीं तो बनते बनते भी काम बिगड़ सकते हैं और आर्थिक तौर पर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। परिवार में आप सबकी आंखों के तारे बने रहेंगे और माता पिता तथा वृद्धजनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनकी सलाह और सहायता से यदि आप अपना व्यापार करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको समयबद्ध रहना होगा, क्योंकि लेट लतीफी के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस साल लव लाइफ में आपको अनेक खुशियां मिलेंगी। आप जिन्हें पसंद करते हैं वो भी आपको अपना पूर्ण समय देंगे। दाम्पत्य जीवन में आपका व्यवहार और आपका अहम टकराव की स्थिति बना सकता है, इससे आप बचकर रहें तो अच्छा रहेगा। सेहत के मामले में यह साल अनुकूल रहेगा, लेकिन फिर भी अपना योगाभ्यास, व्यायाम वगैरह करते रहें। इस वर्ष आप कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं, जैसे कि विदेश यात्रा, या कहीं और अधिक कोई घूमने जाना चाहते हैं तो वह भी संभव है। इस वर्ष आपके लिए जो संख्याएं अच्छी हैं वो हैं 1, 3, 5, 6 और 9, और आपके जो सहयोगी अंक हैं वह हैं 1, 3, 6, 7 और 9। हम आशा करते हैं कि अंक ज्योतिष भविष्यफल 2020 आपके जीवन को समृद्ध बनाने में सहायक साबित होगा। इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि वर्ष 2020 आपके लिए शुभ और मंगलदायी हो। एस्ट्रो योगी परिवार की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। यह सामान्य भविष्यवाणियां हैं। व्यक्तिगत भविष्यवाणी के लिए आप मुझे एस्ट्रो योगी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।